हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीरीज पे। नेशनल योगा डे के दिवस में हम आप सबको योगा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। योगा हमारे देश में 5000 साल पहले से करते आ रहे हैं और इसके बारे में काफी कुछ ऋग्वेद में भी लिखा गया। योगा ना ही सिर्फ बॉडी को फिट करता है जबकि हमारे माइंड को भी एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करता है। योगा की प्रैक्टिस डेली करने से हम ना ही अपने आप को अंदर से स्ट्रांग कर पाते हैं जबकि अपने काम, अपने मेंटल स्ट्रेंथ इन सबको साथ में बैलेंस करते हैं। तो आज हम आपको कुछ योगा पोस्चर सिखाएंगे और उनसे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे और इसी के साथ आपको उनको करने का तरीका सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ गॉड, द प्रोटेक्टर, द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, who is self-existent, who is free from all pains, and whose contact frees the soul from all troubles, who pervades the universe and sustains all, the creator. दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जो हमें वेट लूज करने में मदद करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, एंजाइटी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स होने में भी काफी ज्यादा मदद करते हैं। योगा ब्रिंग्स टुगेदर फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन्स टू अचीव अ पीसफुल बॉडी एंड माइंड। इट हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड कीप्स यू रिलैक्सिंग। It also helps in increasing flexibility, muscle strength, and body tone. It improves respiration, energy, and vitality. Yoga asanas build strength, flexibility, and confidence in you. दोस्तों, अगला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। ये आसन हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, हमारे ऑर्गन्स को टोन करता है और ये आसन टीनेजर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कंसेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है। दोस्तों, पश्चिमोत्तान आसन का काउंटर आसन है पूर्वोत्तान आसन। इन दोनों आसन्स को एक साथ किया जाता है। ये आसन हमारी बैक, एब्डोमेन, लेग्स और हिप्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारे बैक पेन को रिड्यूस करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे ट्राइसेप्स और बाइसेप मसल्स को टोन करता है और ये स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों, सेतु बंधासना हमारे चेस्ट, नेक, स्पाइन और हिप मसल्स को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव करने में मदद करता है, अस्थमा को प्रिवेंट करता है, बैक पेन को प्रिवेंट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है और थायराइड ग्लैंड की हेल्थ को भी। दोस्तों, सर्वांग आसन या अर्धहल आसन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे लिवर और किडनीज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और यही नहीं, हमारे बैक, शोल्डर, नेक, एब्डोमेन, लेग्स और हिप्स को स्ट्रेंथन करता है। दोस्तों, हल्क जैसे पोज वाला हल आसन हमारी नेक, शोल्डर्स और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रेस और फटीग को रिड्यूस करता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को सिम्युलेट करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। दोस्तों, क्रो पोज आसन या काक आसन हमारी आर्म्स और रिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बैलेंस और फोकस को इम्प्रूव करता है, हमारे इनर थाइस और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है,
डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी अपर बैक को स्ट्रेच कर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें।